भाई ये फ्लो चार्ट है आपके लिए। सही, फ्लो चार्ट का पहला लेक्चर कल हो चुका है, आज मैं आपको दूसरा लेक्चर करवा रहा हूं और हाउ टू ड्रॉ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ होगा। सही, एक लेक्चर पहले हो चुका है कल का, आज दूसरा लेक्चर है। कल मैंने आपको बच्चों ये सब बातें बताई थी कि भाई ओवल का मतलब स्टार्ट होगा, पैरेललोग्राम का मतलब इनपुट आउटपुट होगा, इसका मतलब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर चीजें कैलकुलेट होती हैं, और ये मॉड्यूल वाली चीज ये होगी, और ये जो सिंबल होता है ये कौन सा होता है, डिसीजन सिंबल, कौन सा होता है बेटा, डायमंड डिसीजन या डायमंड शेप। सही है, मॉड्यूल वाला कैसे काम मॉड्यूल वाला भी आएगा ना, मॉड्यूल वाली चीज जब पढ़ाऊंगा जब आपको समझ आएगा, अभी आपको पता ही नहीं ना मॉड्यूल क्या होता है, तो दैट्स वाई हमें नहीं पता। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। लार्ज टेक्निक याद है आपको, लार्ज टेक्निक क्या थी बेटा? सही है, और स्मॉल टेक्निक ये थी, याद है ना, देखी भी आपने। चलो आगे चलो बच्चों, उसके बाद लिखा हुआ है टोटलिंग टेक्निक, याद है ये सब? टोटलिंग याद है और काउंटिंग भी याद है, काउंटिंग भी याद है बच्चों। उसके बाद प्री और पोस्ट कंडीशन लूप पढ़ाया था मैंने। हाँ यही है ना बच्चों, याद है ना लूप कैसे बनता है, ये सब मैं करा चुका हूँ ना। ये देखो कल मैंने ये भी कराया था कि फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा काउंटिंग प्लस वन, अगर वन वन के बराबर है तो इस तरीके से, याद आ गया सर। फिर ये भी करा दिया कल मैंने, सम वाला सवाल करा दिया था कल, प्रॉब्लम थ्री भी करा दी कल, बहुत कराया कल मैंने, फोर कराया, फोर प्रॉब्लम फोर भी करा दिया, प्रॉब्लम फाइव। क्या आज में प्रॉब्लम नहीं, सिक्स हो गया करा दिया, चलो इसको और भी देते, आगे निकलता हूँ, सिक्स भी हो गया। अच्छा हाँ सिक्स कल कराया ना मैंने, ठीक है ठीक है। सेवन, हाँ वेरी गुड बच्चों, आज जो सेवन करते, सेवन के अंदर आपको एक सवाल दिया हुआ है, उस सवाल में वो आपसे कह रहा है फ्लो चार्ट ऑफ अ प्रोग्राम इन विच इनपुट लेने कितने नंबर बेटा, थ्री नंबर। थ्री नंबर का मतलब विदाउट लूप, लिखो थ्री नंबर का मतलब क्या, लूप के सेवन। अच्छी बात है, देख लो। और पहला नंबर होगा एन वन, दूसरा होगा एन टू, तीसरा होगा क्या, एन थ्री। आइए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट के बाद, स्टार्ट के बाद हम क्या करेंगे, हम क्योंकि लूप के बगैर करना है ना, तो लूप छोटी बनाऊंगा मैं। मैंने कहा इनपुट वेरिएबल वन का नाम है एन वन, वेरिएबल टू का नाम है एन टू, सही है, वेरिएबल थ्री का नाम है एन थ्री, वेरिएबल फोर का नाम है एन फोर, एन वन एन टू एन थ्री और एन टू। सही है, उसके बाद हम बोलेंगे कि नंबर वन अगर नंबर टू से बड़ा है, इस नंबर वन, बच्चों ये कंडीशन देखो जो हम लगाएंगे, विशाल एक मिनट रुक जाओ बेटे, अगर नंबर वन नंबर टू से बड़ा है ना, एंड नंबर वन नंबर थ्री से भी बड़ा है, लड़को ये बात समझ आ रही है, नंबर वन अगर नंबर टू से बड़ा होगा और नंबर वन उसके साथ से नंबर थ्री से भी बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली बात है सबसे बड़ा कौन होगा बच्चों, नंबर वन। क्या हो गया, चार कहां से ले लिए क्या? अच्छा ओके ओके ओके, सर आपने लूप को नहीं यूज किया, विदाउट लूप ना, इनपुट थ्री नंबर है, तीन नंबर के लिए लूप लगाना अच्छी बात थोड़ी है, विदाउट लूप करो, जब ज्यादा हो 10 20 हो 5 6 हो तो समझ आती है। मैंने लिख भी तो दिया सवाल में, लिख लो सवाल में कि इस सवाल को विदाउट लूप करना है। सही है बच्चों, जी जी स्पेसिफाई करता है, बनाने बच्चों सेकंड कंडीशन क्या होगी बताओगे मुझे, एन टू इज ग्रेटर देन, एन टू बड़ा हो एन वन से, एंड एन टू बड़ा हो एन थ्री से, यस
एक तरफ यस है और एक तरफ नो है, तो ऑब्वियसली बात है प्रिंट होगा क्या, सही है बच्चों? अगली कंडीशन क्या आएगी बताएंगे कुछ? नहीं नहीं कंडीशन पूछ रहा हूँ करके देख। इस एन थ्री अगर बड़ा है एन वन से एंड एन थ्री अगर बड़ा है एन टू से, बच्चों पहली कंडीशन में अगर n1 n2 से बड़ा है तो प्रिंट हुआ n1 इज लार्ज, अगर n1 n2 से बड़ा नहीं है, n2 n1 से बड़ा है, n2 n3 से बड़ा है तो क्या प्रिंट हुआ, n2 इज लार्ज, अगर n1 भी सबसे बड़ा नहीं है, n2 भी सबसे बड़ा नहीं है तो n3 इज लार्ज होगा, और अगर n3 भी सबसे बड़ा नहीं है तो क्या होगा बच्चों, ऑल आर इक्वल, क्या होगा बच्चों, ऑल आर इक्वल, क्लियर है, आसान है ना जी? हाँ आर एस समझ आएगी तुम्हें, प्रॉब्लम सिक्स दोबारा पढ़ा दें, आर एस मनाहिर समझ आ रहा है आपको, हानिया हारिस मनाहिल हानिया सही है, आगे चलें, सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच इज प्रॉब्लम नंबर 8, आओ मिटा के बनाऊंगा ताकि आपको पूरी समझ आए, प्रॉब्लम नंबर 8 बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 8 पढ़ के मुझे समझाइएगा, प्रॉब्लम नंबर 8 के अंदर लूप लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा, वेरी गुड, प्रॉब्लम नंबर 8 में लूप लगेगा, अच्छा भाई तो इसको हाईलाइट करें, 300 नंबर है, 300 नंबर का मतलब फ्लो चार्ट में आप लूप बना लेना, सही बना लेंगे, आगे कह रहा है काउंट द पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या है, अगर नंबर जीरो से बड़ा होगा तो तुम पी इक्वल्स टू पी प्लस वन कर लेना, यही होता है ना भाई, अगर नंबर जीरो से बड़ा होगा तो तुम क्या कर लोगे, पी इक्वल्स टू पी प्लस वन, ठीक है, रिजेक्ट का मतलब होता है इग्नोर करना, रिजेक्ट द नेगेटिव नंबर का मतलब है इसको क्या करना है, तुम्हें इग्नोर करना है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं करनी, एरो बना के को इग्नोर करना, नंबर जीरो से छोटा होगा, अगर मैं यहाँ लिखता हूं नंबर अगर जीरो से छोटा होगा उसके लिए कुछ भी नहीं करना तुम्हें, उसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना, और काउंट द जीरोस का मतलब है अगर नंबर जीरो के बराबर है तो तुम उसकी काउंटिंग करना, जेड इक्वल टू जेड प्लस वन, यही है ना सवाल का मतलब, अगर नंबर काउंट द जीरोस का मतलब क्या है, हाउ मेनी जीरोस आर देयर ना, तो तीसरी कंडीशन यहाँ पर क्या बनेगी, देखो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जिसमें नंबर जीरो से बड़ा है तो पी इक्वल टू पी प्लस वन, नंबर जीरो से छोटा है तो कुछ नहीं करना, और अगर नंबर जीरो के बराबर है तो जेड की काउंटिंग कर लेना, जेड प्लस वन, सही कह रहा है ना मैंने बच्चों, डेटा बना ले जल्दी से, इफ नंबर अगर जीरो है तो जेड इक्वल टू जेड प्लस वन कर लेना, क्लियर है बच्चों, कितनी कंडीशन गिवन है,
बच्चों डेटा कॉपी करें, कितनी कंडीशन गिवन है? एक दो तीन, तीन कंडीशन गिवन है। थर्ड वाली कंडीशन का मतलब है सिर्फ इग्नोर करना। हाँ, प्रिंट हाउ मेनी नंबर आर पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर पी में है, हाउ मेनी नंबर आर जीरो, जीरो जीरो वाले नंबर किस में बेटा? जेड। चाहिए आप लोग बना लेंगे या मैं बनाऊ? आप लोग बनाए, मैं वेट कर रहा हूं। इस सवाल को करने में सबसे पहले आपको 300 नंबर्स के लिए लूप बनाना है। 300 नंबर्स के लिए क्या बनाना है बच्चों? लूप। उसके बाद फिर ये दो कंडीशन लगाना। हाँ आइए लूप बनाएंगे, इतना आसान है। आपने स्टार्ट करा, फिर आपने कहा काउंट को बोला तुम क्या हो बेटा? वन। लूप बना रहा हूं अभी लूप। हाँ फिर हम बोलेंगे कितना इस काउंट इक्वल्स टू कितना बेटा? इस Count is greater than 300. Greater than बोलो? Is count is greater than 300. Count जैसी 300 तक पहुंचेगा ना, one से start हो, equals to 300. Right side पे क्या होगा? Yes. और नीचे में क्या करता हूँ बच्चों? No. ठीक है? बिल्कुल। अभी बच्चों से पूछता हूँ ना। और यहाँ पर क्या आएगा? काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, और ये घुमा के यहाँ पर बच्चों बताएगा यहाँ पर 300 पे लूप खत्म हो गया, 301 पे लूप खत्म होगा? बोले बच्चों 301। तो यहाँ पर आप लगा दें 301, 300 पे तक लूप चलेगा, 301 पे लूप क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। अच्छा अब मुझे बताओ करना क्या है। आप बोलोगे सर नंबर जीरो से बड़ा है तो क्या कर दो? पी इक्वल्स टू पी प्लस वन। आओ करके दिखाओ। आप बोलोगे सर लूप के अंदर इनपुट लेने, अलग कलर से इनपुट लूंगा, इनपुट कहा क्या इनपुट लू बेटा? एन। और वो नंबर अगर किससे बड़ा हो बेटा बोलो? कहा नंबर जीरो से बड़ा हो तो कौन सी काउंटिंग करूं? पी प्लस वन। नंबर अगर जीरो से छोटा हो उसका कुछ नहीं करना। नंबर अगर जीरो के बराबर हो, नंबर अगर जीरो के बराबर हो तो काउंटिंग करनी है जेड इक्वल टू, ये लिखा हुआ ना, जेड इक्वल टू जेड प्लस वन। तो आपने कहा जेड इक्वल टू जेड प्लस वन, यही है ना बच्चों? हाँ, ये चीज यहां पर आ जाएगी और ये भी घूम के यहां पर आएगा और ये इधर। सही है लड़कों, सबको समझ आ रहे हैं? अच्छा जब तुमने पी की काउंटिंग करी है तो पी की फर्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? जीरो। तो यहाँ हेडर में इनिशियलाइज करो पी इक्वल टू जीरो और z इक्वल्स टू जीरो। सर हाँ, अगर हम c को जीरो स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करते हैं और फिर पूछे c इक्वल्स टू 300 तो भी सही है, एक ही बात है ना। ये बच्चों प्रॉब्लम नंबर 8 सबको समझ आ गई है? Yes. कोई मसला तो नहीं है 8 में? रिजेक्ट होगा बच्चों। नेगेटिव नंबर का क्या हो रहा है यहाँ पर? इग्नोर। जैसे आपको लड़कियां करती है ना जिंदगी भर क्या करती हैं? इग्नोर। ऐसी नेगेटिव नंबर भी क्या हो रहा है बेटा? इग्नोर। प्रॉब्लम 8 सबको समझ आ गई? यस सर। आगे चलूं मैं फिर? यस सर। हाँ अब इसको जवाब दो भाई। यस तो आप खुद करें ना। जब ये लूप खत्म हो जाएगा, जब ये लूप, मुझे बताओ लूप कहाँ खत्म हो रहा है? जब ये कितने आइटरेशन हो जाएंगी? 300। कितनी हो जाएंगी? जैसे 300 होंगी लूप खत्म होगा तो आप प्रिंट करवा देना। क्या प्रिंट करवाना? पी एंड जेड। प्रिंट करवाना क्या? पी पॉजिटिव काउंटिंग और जेड में क्या है? जीरो वाली काउंटिंग। और फिर लूप को क्या करा देंगे? हम एंड करा देंगे। नेगेटिव नंबर की क्या करा आपने?
बच्चों नेगेटिव नंबर का क्या करा आपने? इग्नोर। सवाल में लिखा मैंने इग्नोर द नेगेटिव नंबर, ये पास पेपर का सवाल है, पीपीक्यू लिख ले, याद नहीं है मुझे बस देखो। नेगेटिव नंबर होगा बट उसकी काउंटिंग नहीं होगी। We have two types of counting for the positive number. This is the positive number P and this is the negative number Z. Zero number accept होंगे but we don't count that. चलो आगे बच्चों। Yes. सारे बच्चे। Next question. Page number 9. प्रॉब्लम नंबर 9 पेज नंबर बताएं कौन सा बच्चों? गोल्डन बुक की 1 1 1 0 3 1 1 3। पेज नंबर 1 0 3। लड़कों तेरे सवाल देखें, इस सवाल के अंदर सूडो कोड दिया हुआ है, इस सूडो कोड को कन्वर्ट करना है फिर चार्ट। पहले ये सूडो कोड समझाऊंगा। इन दिस सूडो कोड लाइन नंबर 1 में सिर्फ एक मैसेज प्रिंट हुआ है और उस मैसेज में लिखा हुआ है इनपुट अ वैल्यू बिटवीन 0 टू 100। सवाल बता दिया उसने एक मैसेज के अंदर, हमें पता लग गया। फिर वो कह रहा है इनपुट ले लो वैल्यू, मैंने कहा ठीक है ले लूंगा, सही। और वो वैल्यू कितनी दफा इनपुट होगी, वो वैल्यू कितनी मरतबा इनपुट होगी, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर जो लूप चला है, लूप की नेचर है फाइनाइट या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। शाबाश, देखो यहाँ पे जो लूप चल रहा है वो कितना चल रहा है बेटा? इनफाइनाइट। इनपुट लेता रहेगा जब तक वैल्यू वैलिड नहीं आ जाती। और वैलिड की रेंज, और वैलिड की रेंज दी हुई है लाइन नंबर 1 में, बताओ रेंज क्या दी हुई है? 0 to 100। रेंज क्या दी हुई है बेटा लाइन नंबर 1 में? 0 to 100 इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या? 0 इंक्लूड होगा, 100 इंक्लूड होगा। क्लियर है? चलो अब वो यहाँ पर कह रहा है क्योंकि ये लूप एज अ वैलिडेशन इस्तेमाल हो रहा है, इनफाइनाइट लूप इस्तेमाल हो रहा है, तो कंडीशन इसने ये लगाई हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आप देखो वो आपसे क्या कह रहा है, सुकून से देखिएगा। कह रहा है कि भाई अगर वैल्यू 0 से छोटी है, बच्चों 0 से छोटी तो एक्सेप्ट होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए? रिजेक्ट। उसने भी बोला प्रिंट करवा दो इनवैलिड वैल्यू, ट्राई अगेन। और का मतलब होता है आइदर, कोई भी एक कंडीशन, या वैल्यू 100 से बड़ी हो तो भी क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, तो भी क्या होगा? इनवैलिड वैल्यू, ट्राई अगेन। तो भी क्या होगा? इनवैलिड वैल्यू, ट्राई अगेन। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? पक्की बात है बच्चों? यानी कि ये लूप चलता रहेगा कब तक? जब तक वैल्यू रेंज के अंदर नहीं आती। जब तक वैल्यू रेंज के बाहर रहेगी, वो क्या प्रिंट करता रहेगा? इनवैलिड वैल्यू। क्या प्रिंट करता रहेगा? इनवैलिड वैल्यू। क्लियर है? इसका फ्लो चार्ट देखो मैंने कैसे बनाया, इतना आसान है। मैंने कहा कि भाई स्टार्ट कर दो लाइन नंबर 1 वाली चीज को, मैंने प्रिंट करवा दिया पैरेललोग्राम में। इनपुट वैल्यू को मैंने प्रिंट करवा दिया पैरेललोग्राम में। लाइन नंबर 3 की कंडीशन ये लगाई है मैंने, देख रहे हो? लाइन नंबर 3 में वैल्यू 0 से छोटी है लिखा हुआ, वैल्यू 0 से छोटी है, मैंने भी लिखाया वैल्यू 0 से छोटी और 100 से बड़ी अगर हो जाए तो प्रिंट करवा देना इनवैलिड वैल्यू, प्रिंट करवा देना इनवैलिड वैल्यू और इनपुट ले लेना वैल्यू। देख रहे हो? हाँ, कहा समझ आ रहा है? हाँ, ये लूप चलता रहेगा, कब तक? जब तक वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं हो जाती। जैसी वैल्यू 0 से बड़ी और 100 से छोटी दे दी तो नो हो जाएगा। नो का मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? एक्सेप्टेड। क्या हो जाएगी? एक्सेप्टेड। तो बेसिकली लूप का ये वाला पार्ट है ना, ये है लूप का पार्ट जो मैंने हाईलाइट किया है बच्चों, ये दिस इज द लूप पार्ट। जब तक वैल्यू 0 से छोटी और 100 से बड़ी होगी क्या प्रिंट होता रहेगा? इनवैलिड वैल्यू। क्या प्रिंट होता रहेगा? इनवैलिड वैल्यू। वैल्यू 0 से छोटी या 100 से बड़ी होगी तो इस लूप के चक्कर में जाके घूमता रहेगा और बोलेगा इनवैलिड वैल्यू, दोबारा वैल्यू दो। तुमने दोबारा वैल्यू 0 से छोटी और 100 से बड़ी दी तो फिर बोलेगा इनवैलिड वैल्यू। लेकिन अगर 0 से बड़ी और 100 के अंदर दे दी तो यहाँ जाएगा, कंडीशन हो जाएगी नो। नो का मतलब क्या प्रिंट होगा? एक्सेप्टेड वैल्यू। क्या प्रिंट होगा? एक्सेप्टेड वैल्यू। पूछो मिशा। बेटा वो पहली वैल्यू के लिए, ये तो लूप एज वैलिडेशन को मिक्स कर रही हो ना, तो ये वैल्यू लेके यहाँ पे चेक करेगा। हाँ,
अगर ये कंडीशन येस हो जाएगी तो लूप के अंदर जाके बोलेगा इनवैलिड वैल्यू और सेकंड वैल्यू यहाँ से लेगा. दिस इज अ वैलिड इनफाइनाइट लूप. जब मैंने आपको पढ़ाया था याद है तो उसमें व्हाइल के अंदर कितने इनपुट लेते थे बच्चों? दो. तो ये भी तो वही है, एक बिफोर द लूप और एक इनसाइड द लूप. कॉपी करें इसको. लिखनी है, सब लिखनी है, अभी भी लिखनी. वो तो मैंने खुद डैश लिख के डाला हुआ ताकि आप लोगों को तो समझ आ रहे ना. चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 10 गोल्डन बुक, पेज नंबर बताओ कौन सा है. पेज नंबर 10. इस सवाल में आपको इनपुट लेना है, फाइनाइट लूप है, दैट मींस 1000 टाइम्स तक आप लूप चलाओगे, ठीक होगी. उसके बाद काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर पॉजिटिव, दैट मींस p इक्वल्स टू p प्लस 1 एंड हाउ मेनी नंबर आर जीरो. नेगेटिव नंबर को यहां पर भी क्या करना है, नेगेटिव नंबर को यहां पर भी क्या करना है, इग्नोर. तो बस सिंपल सवाल है. अच्छा सवाल है. प्रॉब्लम नंबर बड़ा अच्छा नहीं, इसमें कुछ और है. देखे देखे बेटा लूप इनफाइनाइट है इसमें. बच्चों सवाल के लिए मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, इस सवाल का मतलब बताएं. ऑल दो की लेबलिंग भी हुई है सर, डिफरेंस से पता लगता है कि ये लूप इनफिनिट है या फाइनाइट है. फाइनाइट है ना, लूप है. चलो अगर ये लूप फाइनाइट है तो कितनी दफा लूप चला? अननोन है ना. आपको पता है यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ कितनी मरतबा लूप चलना है? तो मैंने एक को लिख लिया प्रॉब्लम नंबर 11 के ऊपर कि लूप क्या बेटा इनफाइनाइट. दूसरा इनफाइनाइट लूप को एंड कंडीशन गिवन होगी ना, बताओ व्हाट इज द एंडिंग कंडीशन. देखो तो मैंने एरो बना के लिख लिया कि दिस इज इनफाइनाइट लूप, बट इनफाइनाइट लूप कब स्टॉप होगा? जब एन में क्या आएगा? जीरो. देखेंगे बात, नंबर इज जीरो या नंबर जीरो इज इनपुट तो लूप क्या हो जाएगा, प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. क्या हो जाएगा बच्चों? स्टॉप. रिजेक्ट एनी नंबर्स दैट आर नेगेटिव. नेगेटिव को फिर इग्नोर करना है, पता नहीं नेगेटिव से क्या दुश्मनी, उसकी कोई बात ही नहीं करता बेचारे की. और पॉजिटिव की बात फिर होगी, p इक्वल्स टू p प्लस 1, जीरो की बात नहीं हो रही है ना. तो सिर्फ यहाँ पर ये लिखो ऊपर शाबाश, व्हेन लूप इज इनफाइनाइट तो नो यूज ऑफ काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1. काउंटिंग का कोई काम ही नहीं है ना जब तुम काउंट करना ही नहीं है तुम्हें. लिखो व्हेन लूप इज इनफाइनाइट तो नो यूज ऑफ काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1. बच्चों लूप इनफाइनाइट है और लूप स्टॉप कब होगा? जब एन में क्या आएगा? जीरो. जब एन में क्या आएगा? जीरो. चाहिए क्या हो गया बच्चों? ये कौन है हादी? चलो हाउ मेनी नंबर्स आर पॉजिटिव दैट मीन्स p इक्वल्स टू p प्लस 1. क्या आप लोग कर सकते हैं इनफाइनाइट लूप? आइए मैं करवा दू. कर तो सकते, मैं करवा रहा हूं ना शुरू, फिर आप लोग करना स्टार्ट. बच्चों काउंट लिखू 1? बच्चों काउंट 1 लिखू या नहीं लिखू? क्यों? इनफाइनाइट है. हम बस यहां पर इनपुट ले लेंगे n. हम बोलेंगे भाई आप दे दो इनपुट क्या? n. अब एंडिंग कंडीशन बताओ जल्दी से. तहा तहा वगैरह आप बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? तहा बेटा बताओ. हाँ हाँ, एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात बोली कि सर जब आप पॉजिटिव करेंगे तो पॉज को जीरो तो इनिशियलाइज करें है ना. तो मैंने यहाँ पर इनपुट ले लिया गलत. इनपुट से पहले मैं क्या करूंगा बच्चों बताओ जल्दी जल्दी? पॉज को भाई पी को पॉज बोल रहेगी, पॉज को इनिशियलाइज कर दो किससे? जीरो से. ठीक है. एंड देन वी हैव अ इनपुट. इनपुट का मतलब पैरेललोग्राम इनपुट एन. डन बच्चों? उसके बाद क्या होगा ये बताएं. डायरेक्टली आप एंड कंडीशन लगाए. एंड कंडीशन क्या है आपकी जल्दी बताओ? नंबर क्या है बेटा? जीरो. डायरेक्ट एंड कंडीशन लगाओ कि नंबर जीरो है. अगर जीरो है तो राइट साइड पे बोल देना कि तुम स्टॉप हो जाओ. अगर नंबर जीरो है तो राइट साइड पे क्या कर दोगे? बराबर सर.
लड़कों मैं स्केच बना के दूंगा अभी आपको, फिर आप लोग खुद करेंगे। नंबर जीरो है जी, प्रिंट कराएंगे पहले पॉज को, फिर ठीक हो गया। एंड देन नो के अंदर आप करके दिखाएं क्या करेंगे। बिल्कुल खुद करें, मैं वेट कर रहा हूं, अब आप लोगों को करना। काउंट पॉजिटिव नंबर पॉज इक्वल टू पॉज प्लस वन करूंगा ना, क्या हो गया। हुआ? क्या हुआ? चलो चेक करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है नंबर जीरो से बड़े हैं तो पॉस इक्वल टू पॉस प्लस वन कर देना। आइए देखते हैं बेटा, इस सवाल में आपने नंबर इनपुट ले लिया है, ठीक है, इनपुट नंबर ऊपर ही ले लिया। अब मैं बोलूंगा कि अगर वो नंबर जीरो से बड़ा है, अगर वो नंबर जीरो से बड़ा है तो यस पे क्या करूंगा बच्चों, पॉस इक्वल टू पॉस प्लस, और नो का मतलब नीचे चले जाऊंगा। इनपुट नम ही बनना है, क्यों? इनपुट नम तो ऊपर जाके हो जाएगा ना, वैसे पॉज इक्वल टू पॉज प्लस को वापस इनपुट एन पे नहीं लेके जा रहा हूं मैं, इसको लेके जा रहा हूं डायरेक्ट, ये देखो सही है। अब अच्छा सही नहीं किया मैंने, मैंने कहा भाई नंबर अगर जीरो से बड़ा है तो यहाँ पे मैं करूंगा पॉज इक्वल टू पॉज प्लस वन। बच्चों यहाँ पर मैंने क्या करा, पॉस इक्वल टू पॉस प्लस वन, और उसके बाद ये जा कर रहा है, ये जा रहा है इनपुट एन पे, देख रहे हो आप, क्या ले गया मैं इसको इनपुट एन पे। अगर नंबर यहाँ पर जीरो मिल गया तो सारा का सारा गेम खत्म, लूप क्या हो गया, एंड हो गया। कर रहा हूं ना, प्रिंट होगा क्या पॉस, आसान है मुश्किल है बच्चों डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हो जाएंगे, फिर चार्ट भी हो गया मेरा। बच्चों ये देखें 20 ना, ये तो बहुत आसान सवाल है, कह रहा है 20 नंबर का एवरेज फाइंड करना है। बच्चों एवरेज के लिए हम पहले एवरेज निकालेंगे, सम निकालेंगे, सम का सम क्या होता है बेटा, एस इक्वल्स टू एस प्लस एन, यानी कि टोटलिंग कहलाती है ना ये, हम टोटलिंग करेंगे। अब बच्चों टोटलिंग करेंगे बट प्री से भी करना है और पोस्ट से भी करना है। बच्चों प्री का मतलब समझते हो क्या होता है, जो पहले वाला जो हम लोग हमेशा करते हैं, हम लूप में प्री कंडीशनल लूप लगाते हैं ना। आइए मैं स्टार्ट कराता हूं, स्टार्ट काउंट को मैं करूंगा वन और सम को मैं कर देता हूं जीरो। प्री कंडीशन है तो कंडीशन स्टार्ट में आएगी ना,
is count is greater than 20. एक तरफ yes और एक तरफ no. अब मैं लूप के अंदर इनपुट ले लूंगा, इनपुट n, फिर बोलूंगा कि सम इक्वल्स टू सम प्लस नंबर. और फिर बच्चों लूप की काउंटिंग तो प्लस वन होगी ना, दैट मींस काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन. सर जी, c इक्वल्स टू 21, c ग्रेटर देन 21. बेटा मैंने ग्रेटर देन लगाया तो है, और क्या करूं. सही है बच्चों, सबका सम होता रहेगा. एंड देन फाइनली आप इसको प्रिंट करवा देना सम को, और लूप को क्या करा देना, एंड करा देना. पोस्ट मैं आपको पढ़ाता ही नहीं हूँ, तो पोस्ट आप मत करें, जरूरत नहीं एग्जाम में आ गए. हाँ हाँ बल्कि यहाँ पर तो एवरेज प्रिंट होगा ना, डायरेक्ट सम थोड़ी. आइए मैं डायरेक्ट प्रिंट करवाऊँ एवरेज को. प्रिंट सम अपॉन 20. सही है बच्चों, सम अपॉन 20. तो बेसिकली वो कैलकुलेटेड आंसर क्या हो रहा है, प्रिंट. हाँ मैं डायरेक्ट प्रिंट करवाते हुए कर रहा, मैं अलग से प्रोसेस नहीं करवा रहा, प्रिंट करवाते हुए कर रहा. पोस्ट का नहीं आएगा, पोस्ट का एग्जाम में नहीं आता. पोस्ट का मतलब प्रिंट करा दो, नहीं करा दो अगली क्लास में. 107 पेज करें, इसके बाद वाला पेज करें, और फिर क्लास खत्म हमारी. नेक्स्ट पेज. पेपर टू में आते हैं और दसवीं मरतबा पूछ रहे तुमने. हाँ पहले आते थे ना, ये बात मैं आपको 10 दफा बता चुका हूँ कि सिलेबस अपडेट हुआ है. नाउ लॉजिक गेट इज मूव टू द पार्ट ऑफ पेपर टू. लॉजिक गेट किसमें आ गया बेटा, पेपर टू में. सॉरी हाँ, बहुत सारी चीजें, रोबोटिक्स ऐड हुई है, डिजिटल करेंसी ऐड हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड हुआ है. पढ़ाऊंगा ना मैं, सॉरी नहीं पहले नहीं था, डिजिटल करेंसी भी पहले नहीं थी, एआई आएगी, रोबोटिक्स आएगी. तो आप लोग बताओ कितने परसेंट कवर कर ली बच्चों, ये जो बुक है हमारी पेपर टू की, हमने कितने परसेंट कवर कर ली, 60% कवर. हाँ तुम्हारा 15%. अब आते नहीं, हमने सुडो कोड जो है वो तकरीबन अच्छा खासा कवर कर लिया. अब एरेज रहता है हमारा सुडो कोड, एरे और बबल सॉर्ट वगैरह, वो जो सवाल होता है 2D एरे लीनियर सॉर्ट वाला, वो सवाल जिसको तुम बड़े सवाल के नाम से बोलते. सॉरी 2D एरे ना, तो एरे के अंदर ही आया ना वो. एरे के दो टाइप्स होती है, 1D और 2D. एंड देन सेकंड वन, उसका एक एडवांस सवाल आते हैं लाइक बबल सॉर्ट लीनियर सर्च वगैरह, वो रह गए. और हमारा लॉजिक गेट का बोलो तो मैं रिकॉर्डिंग या क्लास में कवर करा दूंगा. फ्लो चार्ट हमारा हो चुका है, डेटाबेस हमारा हो चुका है, एक और छोटा सा टॉपिक है सुडो कोड का, स्ट्रिंग हैंडलिंग, वो हो जाएगा. तो P2 में हमारी अच्छी कमांड हो गई है. सही, जिस जिनका कुछ रह गया है वो YouTube पे मेरे लेक्चर भी डले हुए हैं, यही वाले लेक्चर जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ. सही आ तो गए, चलो मुझसे बात कर लेना क्लास के बाद, मैं दिखवा. हाँ भाई एरे की रिकॉर्डिंग भी दे देता हूँ. चलो बच्चों इसके बाद वाला सवाल मैं करवा रहा हूँ, आइएगा. ये सवाल पास्ट पेपर में आ चुका है. इस सवाल के अंदर आपको इनपुट लेने 505 नंबर एंड प्रिंट हाउ मेनी नंबर आर पॉजिटिव, ये बात आपको पता है. पी इक्वल टू पी प्लस वन कर दोगे आप. हाउ मेनी नंबर आर नेगेटिव, नेग इक्वल टू नेग प्लस वन. एन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि नंबर वाला एन और नेगेटिव वाला एन क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा. बच्चों माइनस वन लूप को स्टॉप कर रहा है, माइनस वन लूप को स्टॉप कर रहा है. अब जरा गौर से सुनेंगे सवाल, बड़ा मिक्स सवाल है, आपको समझने में टाइम लग रहा होगा, है ना. पहली बात, ये लूप फाइनाइट है इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट लूप है इनफाइनाइट लूप है, फाइनाइट है और इनफाइनाइट की कंडीशन भी दी हुई है, दोनों को मिला के दिया ये. पहली बात यहाँ पे लिखो, लूप है फाइनाइट और फाइनाइट कितना है मिशाल, 505. चलो ये तो बात हो गई.
इस सवाल में पहली कंडीशन तो ये हो गई लूप इज फाइनाइट। बच्चों दूसरी कंडीशन क्या है पता है, इफ नंबर अगर जीरो से बड़ा है तो पी इक्वल टू या पॉस इक्वल टू पॉस प्लस वन। ये बात समझ आई है सबको बच्चों? बच्चों ये बात सबको समझ आ गई है? और नंबर अगर जीरो से छोटा है तो, नंबर अगर जीरो से छोटा है तो बोलो, बोले नंबर जीरो से छोटा है तो नेग इक्वल टू नेग इक्वल टू नेग प्लस, सही है? नंबर जीरो से बड़ा है तो पॉस इक्वल टू पॉस प्लस वन, नंबर जीरो से छोटा है तो नेग इक्वल टू नेग प्लस वन। बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर लूप स्टॉप होगा, फ्लोचार्ट का लूप स्टॉप होगा। इसकी दो कंडीशन दी हुई है, पहली कंडीशन दी हुई है कि काउंट कहां तक आ जाए बच्चों, 505 पे आए तो लूप स्टॉप हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, एन में क्या आए बेटा, ये बात एन में क्या आ जाए बेटा, माइनस वन। अगर काउंट 505 हो तब भी लूप स्टॉप हो जाएगा, और एन में क्या है बेटा माइनस वन, तब भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और भी कह सकते हैं, वेरी गुड, हम और भी कह सकते हैं। ये सवाल का डेटा बना लिया सबने, डेटा बना लो, मैं सवाल पे आ रहा करवाऊं, आइए लूप बना रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले पॉस को इनिशियलाइज कर दो जीरो से, नेग को इनिशियलाइज कर दो जीरो से, सही है? नेग को इनिशियलाइज किया, पॉस को इनिशियलाइज किया, और काउंट को इनिशियलाइज कर दिया वन से। अब भाई एंडिंग कंडीशन ऑफ काउंट इज सी इज ग्रेटर देन 505, yes. सही है? हाँ, एक तरफ यस yes. हाँ अब एक तरफ नो no. सही है yes. इसके बाद क्या होगा तुम बताओ लड़के, आगे बताओ, लूप तो चलेगा, लूप के अंदर बताओ ना क्या करना है। इनपुट लेंगे, क्या लेंगे बेटा, इनपुट ले लिया हमने, इनपुट ले लिया आपने बच्चों, इनपुट एन के अंदर, इनपुट एन अगर नंबर जीरो से बड़ा है, अगर नंबर जीरो से बड़ा है तो क्या होगा, पॉस इक्वल टू पॉस प्लस वन, पॉस इक्वल टू पॉस प्लस वन, ठीक है ना? ये कंडीशन हो गई, इसको टिक कर दो भाई, हमने ये कर दिया। एक और कंडीशन है, वो क्या है, नंबर अगर जीरो से छोटा है, नंबर अगर जीरो से छोटा है तो क्या होगा बच्चों, नेग इक्वल टू नेग प्लस, नेग इक्वल टू नेग प्लस वन, ये भी हो गया बच्चों। नंबर अगर जीरो के बराबर है तो क्या होगा, माइनस वन के बराबर है तो, लिखा हुआ ना नंबर किसके बराबर है बेटा, माइनस वन के, अगर माइनस वन के बराबर है तो क्या करा देना बच्चों, एंड कर, बिल्कुल लिख सकते थे लेकिन नंबर इनपुट नहीं था ना उस वक्त। अब देखो यहां से ये घूम के यहाँ पे लेके जाऊंगा, सही कर रहा हूं मैं, नहीं काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन कहाँ गया, है ना, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन रह गया मेरा, तो मैं यहां पे लगाऊंगा काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन। अब ये ऐसे इधर आएगा और ये, बच्चों ने समझ आ रहा है ये, सही है? अब बेटा एक बात रह गई, वो क्या रह गई, नंबर माइनस वन पे भी खत्म करना है। ये तो बिल्कुल सही चल रहा है कि काउंट जब 505 से बड़ा होगा लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, लेकिन उसने बोला कि नंबर अगर माइनस वन हो तब भी एंड हो जाए, तो तहा मैं क्या करूं, नंबर माइनस वन के लिए क्या करूं, हाँ सी इक्वल टू सी प्लस वन के नीचे लिख दूं, मैं भी ये सोच रहा था, मैंने कहा is n equals to minus one, अगर ये हो जाए yes तो इसको अलग से,
तो क्या हुआ? तो नेगेटिव नंबर भी काउंट होगा, नेगेटिव नंबर भी काउंट होगा। इसका बेस्ट तरीका बताऊं, बेस्ट जो जब से ताहा बोल रहे हैं क्या यहाँ पर करते थे, है ना? सबसे बेस्ट तरीका ये, तुमने बोला था ना ये, क्या नाम है आपका? वकार छोटू। सबसे बेस्ट तरीका ये, क्या तरीका जरा देखो। एक तो ये कि भाई एस एस काउंट जो है वो बढ़ाओ 505 से, और का मतलब होता है दूसरी कंडीशन, और एन के अंदर क्या आ जाए? एन इक्वल्स टू माइनस वन। कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो लूप क्या हो जाए बेटा? एंड। ये ज्यादा बेस्ट तरीका है ना, सिंपल। yes. बहुत आसान हो गया तुम। और लूप यहां पर क्या होगा? एंड होगा। प्रिंट करवाओगे दो चीजें, कौन कौन सी? पॉस और सही है? और ये लूप कंटिन्यूएशन में यहाँ पे बार बार जाता जाएगा। बच्चों ये ज्यादा आसान टेक्निक लग गई ना। yes. कि भाई अगर काउंटिंग 505 हो जाए तब भी एंड करा दो, या एंड में क्या आ जाए बेटा? माइनस वन। सही है बच्चों? चलिए आज की क्लास हमारी इतनी है, ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। फी अमानिल्लाह।